आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खासकर औषधि प्रशासन विभाग निरंतर कार्रवाई करता रहता है। आम जनता को जागरूक करना, खाद्य कारोबारकर्ताओं को भी जागरूक करना इसके निरंतर कार्यक्रम में सम्मिलित है। इधर नवरात्र के बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इसमें विशेष रूप से सबको सचेत होने की आवश्यकता है, आम जनता को भी और FBO जो खास कारोबार। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए किस तरह कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जो भी मिलावट से मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, इस वर्क की रंगीन की जो मिलावट इसमें की जा रही है खोए में, उसको देखते हुए कन्नौज में सर जो कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, क्या कार्रवाई की गई है और क्या क्या यहाँ नष्ट करवाया गया है, कितने का माल बरामद है? मैं सहायक आयुक्त खाद्य आगरा डिवीज़न हूँ। मुझे सूचना मिली कि सलेमपुर गांव में, सलेमपुर कस्बा है ये, मथुरा में वेजिटेबल सॉस के नाम पर अनहाइजीनिक कंडीशन में अखाद्य सॉस बनाई जा रही है। इस पर हमने डिस्ट्रिक्ट की टीम को लेकर के यहाँ पर छापा मारा है। काफ़ी मात्रा में अखाद्य सॉस बरामद हुई है, मौके पर बनाते हुए पकड़े गए हैं। वेजिटेबल नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं है और केवल वेजिटेबल सॉस के नाम से बेचा जा देवबंद तहसील क्षेत्र में गांव चंदेना में नकली मावा बनाया जा रहा है। तो नकली मावा के इस सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और पुलिस बल को लेकर के जमील पुत्र शकील निवासी चंदेना के खोवा निर्माण सेवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लगभग 1 क्विंटल मावा पाया गया, जिसका नमूना लेकर के जांच के लिए